तो मस्तान भाई, अभी आप क्या काम कर रहे हैं सऊदी में, जरा देखने वालों को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब लोग देखो, गौर से सुनो मेरी बात। हाउस डेवर का भी कर रहे हैं, सेल्समैन का भी काम कर रहे हैं। अच्छा, सब काम कर रहे हैं, दो तीन काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो आपको अभी सऊदी अरब में कितने साल हो गए काम करते हुए? मिनिमम 10 साल हो गए। 10 साल। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है अभी आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज मस्तान भाई से बात करेंगे इनकी जॉब से रिलेटेड, कि ये अभी सऊदी अरब में क्या काम कर रहे हैं और इनकी सैलरी कितनी है उस काम में, और उस काम को करते करते कितने साल हो गए। सबसे पहले तो मस्तान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो मस्तान भाई, सबसे पहले आप ये बताइए देखने वालों को कि आप सऊदी अरब में क्या काम कर रहे हैं अभी? अभी काम कर रहे हैं सेल्समैन। सेल्समैन का? अच्छा, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का। मस्तान भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? हम तो इंडिया कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो आपको कितने साल हो गए अभी सऊदी अरब में? सऊदी अरब में 10 साल हो गए हम लोग। 10 साल हो गए। तो आप मस्तान भाई बताना चाहोगे कि आपके कर्नाटक से दम्मान सऊदी अरब आने तक क्या प्रोसेस रहा? गल्फ कंट्री में आने के लिए तो वीजा लगता है पहले, पहली बात। तो आपने ड्राइविंग की वीजा किससे ली? ड्राइविंग वीजा तो एजेंट से ली है हम। एजेंट से? हाँ जी। तो एजेंट आपका कोई खास था या फिर कोई रिलेटिव वगैरह? समझो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान पहचान का था। अच्छा, ऑफिस हमारा एजेंट वाला तो अच्छी थी ऑफिस बॉम्बे में। अच्छा। तो उधर गए, कॉन्टेक्ट किए हम लोग तो आए। तो मस्तान भाई ये बताइए, आप कर्नाटक में ऑलरेडी कुछ और काम क्या करते थे या ड्राइविंग क्या करते थे वहाँ पे? ड्राइविंग कुछ नहीं करता था, मेरा ट्रैवल्स का बिजनेस था। ट्रैवल्स का? हाँ जी। तो फिर आपका ट्रैवल्स का बिजनेस था, तो आपने गल्फ कंट्री आने का कैसे प्लान बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं गल्फ देखना चाहता था, इसलिए तो मैं आया गल्फ में। तो मस्तान भाई ये बताइए, जब आपने एजेंट से वीजा ली तो ये कितने रुपए में ली थी? 10 साल पहले? 10 साल पहले मैंने लिया था 35,000 रियाल। 35,000 रुपए? 35,000 इंडियन रुपीज में? इंडियन रुपीज में। ये सिर्फ 35,000 सिर्फ वीजा का था या फिर टिकट का भी लगा? नहीं नहीं, नहीं, वीजा का बस 35,000। और जो मेडिकल का जो अलग से? अच्छा, मेडिकल का अलग से, आना जाना अलग से। तो ये बताइए मस्तान भाई, जब आप मेडिकल कराने गए तो ऑलमोस्ट कितने इंडियन रुपीज लगा करते थे उस टाइम मेडिकल में? उस टाइम पे जो था लगभग 4,500 तकरीबन। 4,500? 10 साल पहले? 10 साल पहले। तो मस्तान भाई देखने वालों को ये बताइए कि अभी के जैसे मैंने आज एक केस ऐसा देखा है कि, खैर वो बात यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, आप ये बताइए जब मेडिकल कराएं तो ऑलमोस्ट बंदे को कितने हजार रुपए लेके जाना चाहिए ताकि उसमें मेडिकल सेंटर पे जाने के बाद जो है कोई प्रॉब्लम नहीं पड़े? तो मिनिमम आप 7,000 से 8,000 तक लेके जा सकते हैं मेडिकल में। मतलब कि 8-10 हजार रुपए जेब में लेके जाना चाहिए। आपका कोई कॉन्टेक्ट था उस ट्रेवल एजेंट से? क्योंकि आपने जो वीजा ली है एजेंट से, ना तो आपने ये घर देखा वगैरह कुछ नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही डायरेक्ट आए हम लोग, तो अच्छा घर मिला है, अच्छा कफील मिला है, 1 से 2 काम मिले हैं और एक्स्ट्रा, तो हम बस जुड़े रहे हैं। आपने जब मेडिकल कराया तो आपका मेडिकल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया या फिर किसी चीज में कमी नहीं, निकाल कोई दी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम रिजल्ट तो फिट आ गया। मेडिकल होने के कितने दिन बाद जो है आपकी वीजा स्टैम्प हो गई? मेरी वीजा तो समझो 2 या 3 दिन में स्टैम्प हो गई। 2-3 दिन में? हाँ जी। मतलब मेडिकल होने के बाद में? होने के बाद। इतनी जल्दी क्या प्रोसेस था? प्रोसेस क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो मेडिकल फिट हो गया ना, और क्या, कोई बात की गुंजाइश नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल फिट आ गया तो प्रोसेसिंग फास्ट हो गया। अच्छा, बात करें अगर फ्लाइट की तो आपकी फ्लाइट कहाँ से थी? कर्नाटक में? नहीं, कर्नाटक में नहीं थी मेरी, बॉम्बे से फ्लाइट थी। बॉम्बे से? बॉम्बे से तो वहाँ आए, बॉम्बे से जिद्दा आया मैं। अच्छा, जिद्दा। जिद्दा से फिर मक्का गया। तो बट ऐसा क्यों, आप जिद्दा गए मक्का गए फिर दम्माम आए? तो मेरा तो अभी 3 कफील है ना, पहले वाला तो एग्जिट में चला गया, फिर दूसरा आया, फिर दूसरे से आया, तो अभी तो मैं अभी सेल्समैन के काम पे हूँ। जो मैं शुरू में आया तो हाउस डेवर पे आया, अभी तो सेल्समैन में हूँ, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के दुकान पर। आप सेल्समैन के बारे में अगर जब आपने बात छेड़ी दी तो यहाँ ये बताइए, बहुत सारे बंदे सेल्समैन के काम में आना चाहते हैं तो उनका क्या प्रोसेस है, कौन सी वीजा ली जाए या कौन सी वीजा पे आए वो और यहाँ पे सेल्समैन की जॉब करें? अभी तो वीजा आए तो इसकी आमिल की वीजा चाहिए, मतलब क्या है, फ्री वीजा वाला, आजाद वीजा वाला, आजाद वीजा वाला आया है तो आपको कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी काम मिल सकता है आपको। अच्छा। हाउस ड्राइवर की वीजे में बस हाउस ड्राइवर का काम कर सकते हो जी, इसमें परेशानी झेलना पड़ता है, कोई कंपनी में और कोई शिरका में आपको काम नहीं मिलेगा, आपकी वीजा जो है हाउस ड्राइवर की रहती है ना, इसके वजह से। अभी जैसे कि आप सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं तो सेल्समैन में अभी सैलरी कितनी है? सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी तकरीबन ऑलमोस्ट कितने इंडिया के? इंडिया के 50-60 हजार हो जाएगा। मतलब इंडिया के 50-60 हजार इंडियन रुपीज में आपकी सैलरी हो जाती है पर मंथ? अच्छा, इनकम टैक्स का धोखा है भाई। अच्छा मस्तान भाई ये बताइए, अगर वही आप ड्राइविंग में आए थे तो कितनी सैलरी आपकी तय की गई थी एजेंट के द्वारा? जब 2012 में मैं जब आया तो मेरी सैलरी थी 1500 रियाल। अब 2012 से 2015 तक मैं काम किया, 2015 से तो फिर मैं इधर आया सेल्समैन में, तो मेरी जब सैलरी थी 2000 से बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह अब तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्तान भाई ये बताना चाहेंगे देखने वालों को, अगर सेल्समैन की बात करें तो मुझे ये पता नहीं सेल्समैन में क्या होता है, कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो ये बताइए इस सेल्समैन में करना क्या होता है
कितने घंटे ड्यूटी करनी होती है। ये ड्यूटी जो है कंपनी की तरफ से बिल्कुल परमानेंट है कि इतने घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, या फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि कितने घंटे भी कर सकते हो? हमारी ड्यूटी जो है सुबह के 8 से रात को 8 बजे तक, और कस्टमर को हैंडल करना है, काउंटर पे खड़ना है, कस्टमर को हैंडल करना है, जहाँ भी कोई सामान हो तो जाके आप खुद डिलीवरी दे सकते हैं, इसका भी फायदा मिलेगा आपको। अच्छा, अलग से आपका एक पोजीशन बनाए रखेगा बॉस के पास। सेल्समैन में अभी आप आजाद वीजे से हैं अगर बात करें? हाँ जी, आजाद वीजा। तो इसमें अकोमोडेशन ये वगैरह किसकी रहती है? अकोमोडेशन देखो तो आपकी रहस जो है, मतलब जो रूम वूम जो कबीन देगा जी, और जो खाना पीना है वो भी वो पैसा दे देगा मेरे को जी। हम जैसा आपकी मर्जी हम जाए जैसा खा ले सकते हैं। जैसे सेल्समैन ही, मैं आपके पास अपनी गाड़ी से सेल्स की जॉब कर रहे हैं या फिर कंपनी की? हम जो सेल्समैन जो है, मेरा जो सेल्समैन का काम है काउंटर वाला है, दुकान के अंदर का काम है, जो कस्टमर आते ना वीडियो भी है भाई, जो सेल्समैन का काम है वो मेरा काउंटर के अंदर है, दुकान के अंदर जैसा जब कस्टमर आते हैं, जिस कुछ सामान चाहिए स्पेयर पार्ट्स का या एसी का सामान चाहिए, बस एसी का ही है मेरा दुकान का पूरा स्पेयर पार्ट्स, जैसा एसी कंडेंसर है और कंप्रेसर है और जो पार्ट्स है मैं उसका सेलिंग करता हूँ। तो मस्तान भाई ये बताइए, जैसे कि अभी आप आजाद बिजप हैं और सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं, तो इसमें आपका ऑलमोस्ट मंथली खर्चा कितना आ जाता होगा जी? जैसा कि खाने पीने का, जैसे जी जैसा आप दाल रोटी खाओ तो वो भी चलेगा, बिरयानी खाओ वो भी चलेगा, जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है। 400 में हो जाएगा जी, या 150 में हो जाएगा, दही और रोटी खा लो तो 150 में खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा भी हो सकता है, जैसे सैलरी के ऊपर भी डिपेंड होता है कि ज्यादा सैलरी होती है तो आदमी खर्च भी उसी के हिसाब से करता है, और कम सैलरी होती है तो कम में भी काम चला लेता है। कोई मुश्किल नहीं, जैसा आपकी मर्जी जैसा खा सकते हो, बिरयानी भी खा सकते हो, रोटी भी, दाल भी खा सकते हो तुम, आपके ऊपर डिपेंड करता है खाने पीने का। आप ये बताइए मस्तान भाई, जैसे आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, तो कर्नाटक वालों को सेल्समैन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर वो सेल्समैन की जॉब पर आना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है उनका? प्रोसेस क्या है भाई, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया में, आपका कई दुकान पे काम किए हो या कोई सेल्समैन का काम किए हो, यही काम नहीं है सेल्समैन में। सेल्समैन हर तरीके का होता है, जैसा दुकान का कॉस्मेटिक्स हो या तुम्हारा स्टेशनरी हो, फूड कंपनी का हो, जो भी हो, बेकरी आइटम्स हो या स्पेयर पार्ट्स का हो, जो भी सेल्समैन हो, उनको मिनिमम 1 से 2 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। आने के बाद इधर गल्फ में आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ ये सवाल भी आता है, अगर किसी बंदे को इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है और वो आजाद वीजा लेके सऊदी अरब में आ गया है, तो क्या सिस्टम रहेगा उसका कि वो सेल्समैन की जॉब कर सकेगा या फिर उसको ये जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? देखो भाई लोग, वो तो आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसा कि अभी मालूमात नहीं है, उसको अरबी नहीं जानता है, या दूसरे जितनी भी कंट्रीज है, अरबी कंट्री है जी, जैसा समझो सऊदी अरब है, कुवैत है, खतर है, या बहरीन है, यूएई है, जी जी या, जो भी है, और उसको थोड़ा अरबी सीखना चाहिए और मालूमात मतलब तालीम चाहिए उसको। अगर कहीं काम कर रहा हो तो काम में जो भी काम बोलेगा उसका बाद जो मैनेजर है, जो वकील है, जो काम बोलेगा वो करना पड़ता है उसको 2 या 3 महीने, और इसके बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद जो उसका बिहेवियर देख के उसको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा काम मिल सकता है, आगे उसकी सैलरी और उसका अकोमोडेशन एक से बढ़ जाएगा। अच्छा मस्तान भाई, एक नॉर्मली बात करें तो यहाँ पर बेटर कौन सा ऑप्शन रहेगा कि वो आजाद वीजा से आए, कंपनी से या फिर हाउस ड्राइवर में? देखो किसको प्रेफर करेंगे आप? कंपनी में आए तो भी अच्छा है, हाउस ड्राइवर पे आए, कोई काम छोटा नहीं है, आदमी छोटा है। यहाँ पे जो भी सुनने वाले और देखने वाले इस वीडियो को, बहुत जरूरी इसका फॉलो करना पड़ेगा आपको। मस्तान भाई यहाँ बात करें तो एक ऑलमोस्ट अभी के माहौल को देखते हुए, जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, 2023 भी लगने वाला है, तो यहाँ पर ये आजाद वीजा कितने रुपए में मिल जाएगी, इंडियन रुपीज में जैसे बात करें तो? एक नॉर्मली तो इंडियन रुपीज में आपको देखना चाहिए तो इसका टोटल हो जाएगा आपको 1.5 लाख से 2 लाख तक हो जाएगा। और जैसे अभी सऊदी के हालात है तो क्या बेटर रहेगा आजाद वीजा से आने के लिए, बेटर है उनके लिए कि वो आजाद वीजा से आए या फिर कंपनी से या फिर फैमिली ड्राइविंग? आजाद वीजे का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इससे अच्छा है कि आप कंपनी में आना, अच्छा है कंपनी के थ्रू या एजेंट के थ्रू आना, डायरेक्ट कंपनी में आएगा तो कोई प्रॉब्लम आपको इधर क्रिएट ना करना पड़े। ऐसा भी जैसा आपने कहा कि एजेंट के जरिए, कुछ एजेंट ने ऐसे बंदे भी फांस रखे हैं जो 6-6 महीने हो गए उनके न पासपोर्ट दिया न पैसा दिया, तो क्या उनके लिए ऑप्शन है कि वो अपनी जान पहचान वाले में से आ जाए? जान पहचान को ऐसा है कि एजेंट भी अच्छा होना चाहिए, उधर इंडिया में जो जहाँ भी जो ऑफिस में जाते हो वो एकदम अच्छा ऑफिस होना चाहिए, और उसका जो इधर भी तो उसका थोड़ा बहुत ऑफिस रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। भाई इस बंदे को लेके हम लोग उधर भेज रहे हो 2 या 4, 10 बंदे, उसका भी जैसा जो काम रहता है जो वही काम इधर चाहिए हमको, उधर 10-20 हजार का मत सोचो,
एजेंट अरे यार 2 लाख रुपए ले रहा है, 1.5 लाख रुपए ले रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम तुम्हारा अच्छा इधर हो गया तो तुम 1.5-2 लाख रुपए 3-4 महीने में कमा ले सकते, कोई मुश्किल नहीं है। मस्तान भाई ये बताइए, जैसे कि अभी नॉर्मली बात करूं तो ज्यादातर मेरे ऑडियंस जो है ड्राइविंग से रिलेटेड है, कितने रुपए में मिल जाएगी ये ड्राइविंग की वीजा? देखो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका माहौल जब 2022 का चल रहा है, 2022 अगले आप एक महीने के बाद जो 23 चलता है तो इंडिया में तकरीबन होगा उसका 70-80 हजार रुपए में तो मिल रहा है हाउस लेवर का वीजा। इससे अच्छा है कि तुम हाउस लेवर पे आ जाओ, कोई दे रहा है वीजा तो कैसा है क्या है पता नहीं है, जैसा भी आओ तुम अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे को काम अच्छा मिलेगा, तुम्हारा कफिल जो अच्छा रहेगा तो अच्छा बना के रखो, कफिल के साथ झगड़ा मत करो, उनसे अच्छा ताल्लुकात रखो, प्यार मोहब्बत से बात हो तो तुम्हारा जो भी है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो। ऐसा है कि थोड़े लोग आके इधर फंस जाते हैं, यार मेरे को फंसा दिया एजेंट, मेरा कफिल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिलाना, ऐसी बात कोई नहीं है। मैं अभी 10 साल हो गया इधर से, जैसा तुम सीधा जाओ तो वो भी सीधा जाए। अच्छा आपने 10 साल क्यों निकाल दिए, कोई तो बात होगी? तो वही तो बोल रहा हूँ ना, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी अभी मेरा 2-3 कफिल चेंज हो गया जी, तो मैं पहले गया तो फिर दूसरी आया, दूसरी से तीसरा कफिल अच्छा मिला, तुम्हारा जो तकलीफ होगी तो उसको आसान रहेगा और कुछ नहीं। तो जैसे कि मस्तान भाई लास्ट में ये बताइए, क्योंकि अभी वक्त की नजाकत को देखते हुए वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी सभी की ड्यूटी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर तो साथ में ड्राइवर ही है, मैं भी ड्राइवर हूँ, करंग भी इनकी खत्म हो गई है। खैर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कर्नाटक स्टेट वालों को, कर्नाटक को नहीं सारे इंडिया को? जी जी हाँ सारे इंडिया कर्नाटक को नहीं, जो भी स्टेट है इंडिया में जितने भी स्टेट है, स्टेट वाले जो भी गल्फ में आना चाहते है जी उनसे बोल आके है ना आराम से रहे, थोड़ा तसल्ली से आके मेरा यार मेरे को ये काम बोला था, मेरे को वो काम बोला था एजेंट, यार मेरे को ये फंसा दिया वो फंसा दिया, ऐसा मत करो, जो भी काम है तुम करो 2-3 महीने तक, तुम्हारा जो भी बनता है बना लो, पेपर अच्छा ओरिजिनल चाहिए इधर यहाँ पे, किसी से झगड़ा मत करो, तसल्ली से भरोसे से तुम काम करो इधर से, तुम्हारा आगे अच्छा फ्यूचर होगा। आए ना शुरू शुरू में आके यार मेरे को तुम हाउस लेवर पे लाके तुम मेरे को झाड़ू मारा रहा है, तुम ये कर रहा है वो कर रहा है, मेरे को ये नहीं करेगा वो मत करो, तुमको है ना 2-3 महीने तुमको टेस्ट करेगा समझे, तुमको 2-3 महीने झाड़ू मारने लगाएगा पोछा लगाएगा ये करेगा, अरे यार मैं हाउस लेवर में आया, मैं सेल्समैन में आया, मैं डॉक्टर में आया, मैं इंजीनियरिंग में, भाई ये क्यों करूंगा मैं वो, ऐसा मत, वो तुमको टेस्ट करता है भाई ये बंदा कर सकता है या ना कर सकता है, ये मेरी बात थोड़ा गौर करो तुम। वैसे मस्तान भाई जैसे आप पहले ड्राइविंग में थे तो आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी ये सब? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया, जो भी ये सीधी बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इंग्लिश आती थी, अरबी भी थोड़ा मैं ट्रेनिंग सीख लिया हूँ, कुछ भी नहीं, 2 साल मैं हाउस लेवर पे काम किया, अभी आप तो सेल्समैन में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सेल्समैन का क्या स्कोप है फ्यूचर में, क्या यहाँ पे बेटर है या फिर सऊदी को छोड़कर दूसरी कंट्री का दूसरी कंट्री में जा सकते हैं या खुद अपनी कंट्री में जाके तुम आप खुद का दुकान खोल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है समझे, ये नहीं कि मैं इधर ही काम करूँ मेरा उधर नहीं उधर लॉस हो जाएगा, नहीं उधर भी जाके तुमको 6 महीने 1 साल तक स्ट्रगल करना पड़ता है, कस्टमर को तुमको हैंडल करना पड़ता है, कस्टमर कैच करना पड़ता है, उसके बाद आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो मस्तान भाई लास्ट में मुझे एक बात बता दीजिए, अगर जो बची है बस काफी है और कुछ नहीं है, खैर छोड़ो उसको, जैसे कि अभी कोई सेल्समैन की जॉब पर आना चाह रहा तो वो ये बीजा ले कैसे कैसे सर्च करे, वो कोई ऑप्शन किसी ऑफिस वाले से कांटेक्ट करे? ऑफिस वाले से जाओ, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, अच्छा आपके जो जो जान पहचान का भरोसे वाला एजेंट होता है उनसे तहकीकात करके इंक्वायरी करके और इंटरव्यूस होता है, इंटरव्यू में है ना तुम इंटरव्यू में पास हो जाओ तुम्हारा कम से कम खर्चा निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, उधर आने के बाद तुम इधर आ जाओ कोई मुश्किल। अगर इंटरव्यू में फेल हो गए तो? इंटरव्यू में फेल हो गए तो आपकी नसीब है, अच्छा तो सीधा तुम सीधा चले जाओगे। तो गाइस आज हुआ देख लो बस, आज की इस वाली वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपनी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज और यल्ला मा सलामा, बाकी सवाल जवाब जो है और बाकी कुछ बातें इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।